अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू डेक्टोलॉजी एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोलीविया वीज़ा के रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग बोलीविया वीज़ा, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बोलीविया वीज़ा के रिलेटेड बनाई थी उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दी थी, कंप्लीट प्रोसीजर बताया था, लेकिन अपडेट ये है कि प्रोसीजर टोटली चेंज हो चुका है और वो सारा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और जो अपडेट है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा कि बोलीविया वीज़ा अब बहुत आसान हो चुका है पहले की निस्बत। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं बोलीविया वीज़ा में वो ये वीडियो कंप्लीट देखें और कंप्लीट प्रोसीजर जानें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें वीडियो पर जाने से पहले। सो गाइस, सबसे पहले तो जो एक बहुत बड़ी चेंज आई है और न्यू अपडेट के रिलेटेड कि बोलीविया वीज़ा ई वीज़ा हो चुका है फॉर पाकिस्तानीज के लिए। और पहले होता था कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके, सारी चीज़ें ऑनलाइन फिल करके कौंसलेट विज़िट करना पड़ता था फिज़िकली कैंडिडेट को, लेकिन अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली ई वीज़ा है बोलीविया का पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। ये मैंने कल ही, मुझे पहले भी अपडेट का पता था लेकिन मैंने फिर कौंसलर से कॉल पे कंफर्म किया है कि ऐसा ही है। तो बोलीविया का ई वीज़ा हो चुका है और कौंसलेट पे आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और टोटली आपने अप्लाई करना है, फ़ीस सबमिट करनी है और आपका प्रोसेस टाइम के बाद आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह का बोलीविया का ई वीज़ा होता है जो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। सेकंड, एक चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि पहले मैंने अपनी वीडियो में भी, जैसे लास्ट वीडियो है जो मेरी बोलीविया वीज़ा के बारे में, उसमें मैंने बताया है कि पहले इनविटेशन लेटर कंपलसरी होता था, लेकिन अब जो ई वीज़ा का प्रोसेस है इसमें इनविटेशन लेटर कंपलसरी नहीं है। आप जस्ट होटल रिजर्वेशन लगा दें कि आपने जाके कहाँ स्टे करना है, डैट इज़ इनफ, उस पर भी आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है बोलीविया वीज़ा के रिलेटेड और अब बोलीविया वीज़ा बहुत आसान हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपको प्रोसीजर भी समझाऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप बोलीविया वीज़ा बआसानी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए बोलीविया ई वीज़ा के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। वही सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें एक विजिट वीज़ा के लिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए, शेंजन कंट्रीज़ के लिए। यानी आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उस पर 6 मंथ की एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की, फर्स्ट चीज़। सेकंड, आपकी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं जो आपने अपलोड करनी है वीज़ा एप्लीकेशन, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पे। थर्ड चीज़, आपने होटल रिजर्वेशन कि आपने वहाँ जाके कहाँ स्टे करना है और कितने दिन रुकना है, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये सिर्फ रिज़र्व होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं भी हैं लाइक कन्फर्म नहीं करनी, आपने रिज़र्व भी चल जाएंगी। उसके बाद आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन आ जाती है कि आपका ट्रैवल प्लान किस तरह का है। आपने पहले अपना एक पूरा ट्रैवल प्लान बना लेना है कि मैंने किस डेट को यहाँ से फ़्लाई करना है, मैंने वहाँ कितने दिन रुकना है, कहाँ रुकना है। देन सारी चीज़ें आप अपने अंदर एक स्केच बना के फिर ही अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके और अकॉर्डिंगली होने चाहिए, आपका जो ट्रैवल प्लान है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, फिर आप अप्लाई करें। ऑनलाइन जो पोर्टल है बोलीविया का, उस पर आप अप्लाई करें और बोलीविया वीज़ा के लिए उसमें आपको आसानी होगी। लेकिन आपकी डेट्स, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन आपके ट्रैवल प्लान के साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगा, हमारी फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, पासपोर्ट हो गया, होटल रिजर्वेशन होगी, फ़ोटोग्राफ्स होगी। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो आपने वहाँ अपलोड करनी है, एटलीस्ट 30,000 यूरोस को कवर करे। इंश्योरेंस के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में, क्योंकि जितने आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा लगाएंगे उतना आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस का चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उसका क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट, अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है कि वीज़ा अप्रूवल रेट के मुताबिक, एटलीस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा हो तो वो बेस्ट है। वो बैंक स्टेटमेंट आप ज़रूर अटैच करें। इसके अलावा जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ कहाँ की है, वो ज़रूर अपलोड करें, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपका बिजनेस कोई सेटअप है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने ज़्यादा आप अपलोड करेंगे उतना ही बेस्ट है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट वही होते हैं, इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, फ़ोटोग्राफ्स और पासपोर्ट की पिक्चर विद 6 मंथ वैलिडिटी।
आपने अपना कंप्लीट वीज़ा फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, जो डेबिट कार्ड होता है बैंक का, उससे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी यूरोस में, यूरोस के इक्विलेंट वो उधर से कट जाएंगे, तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिल करने के बाद आपकी फ़ी का प्रोसेस होगा, फ़ी करने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊंगा कि कैसे आपने पूरा फॉर्म फिल करना है, वो पूरे फॉर्म फिल करने की वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा कि बोलिविया के वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, या अगर आपको कोई भी मुश्किल आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ इसके रिलेटेड। अब बात आती है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो कल ही काउंसलर ने बताया है, उसने कहा है कि एटलीस्ट हमारे पास 3 वीक्स वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होता है, इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर जाता है 1 वीक ज़्यादा। तो जो एक ऑफिशियल टाइम है वो 3 वीक्स है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, उसके बाद आपको ई वीज़ा इशू किया जाता है। तो मेन अपडेट ये थी कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 3 वीक्स है पाकिस्तानियों के लिए, वीज़ा टोटली बोलिविया का ई वीज़ा हो चुका है। और थर्ड चीज़, अब इनविटेशन लेटर की भी ज़रूरत नहीं होती, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और 3 वीक्स के अंदर या विद 1 वीक 3 to 4 वीक्स में आपको वीज़ा, आपका ई वीज़ा रिसीव हो जाता है। अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर बोलिविया वीज़ा के रिलेटेड आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप नीचे के दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।